एवरीवन, सो आज हम शेयर करेंगे यहाँ पे रेड वेलवेट केक की रेसिपी। एक्चुअली कि मैंने काफ़ी टाइम से सोचा था कि रेड वेलवेट केक का बनाना है मुझे, बट एक्चुअली बना नहीं पा रही थी। बट इस बार मैंने बनाया और मैंने काफ़ी अच्छे से और डिटेल में रेसिपी शेयर करी है। सो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर पता चलेंगे। आपसे भी केक बहुत इजीली बन जाएगा। एक्चुअली मैंने कहीं से सीखा नहीं है, मैं खुद भी ऐसे ही ट्राई करती हूँ। बहुत ही अच्छे से मैंने केक सीखा है। मैं वैसे ही डिटेल में आपको रेसिपी शेयर करूँगी। चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है और यहाँ पे अब हम इन ड्राई इन्ग्रीडियंट्स रेडी करेंगे। इसमें यहाँ पे ओनली 3 इन्ग्रीडियंट्स हैं, मैदा, बेकिंग सोडा एंड कोको पाउडर। मैदा 1/2 कप है, सॉरी 1 कप मैदा है और उसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड 1 टीस्पून कोको पाउडर। ये तीनों चीज़ को, ड्राई इंग्रेडिएंट्स कोई भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको छानना ज़रूरी है। इसको हमने छान लिया और इसको हमने मिक्स करके साइड में रख दिया। अब यहाँ पे हम बनाएंगे वेट इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे हमने दूसरा बाउल लिया है और यहाँ पे हमने लिया है 1/2 कप शुगर, 1/4 कप ऑयल और यहाँ पे अब हम डालेंगे दही। अगर आप दही नहीं डालते, आप एग प्रेफर करते हैं, तो आप 2 एग भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे लगेगा वेनिला एसेंस। अभी यहाँ पे 4 इंग्रेडिएंट्स ही लगेंगे और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है एकदम स्मूथ होते तक। आप देख सकते हैं इसको, क्योंकि ये सारे फैटी चीज़ है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा मेल्ट होने में चीनी में। आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट आप इसको मिक्स करना अच्छे से। यहाँ पे जब तक हम कर लेते हैं बटर मिल्क की तैयारी। यहाँ मैंने दूध ले लिया है 1/2 कप और यहाँ पर हम डाल देंगे विनीगर 1 टीस्पून। इसको अब हम साइड में रख देंगे, तब तक विनीगर इसमें असर करेगा दूध में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई और एकदम शाइनी सा पेस्ट बन गया। अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने साइड में रखा था। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बट ये पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे बटर मिल्क जो हमने साइड में बना के रखा था। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक साथ बटर मिल्क नहीं यूज़ करेंगे, नहीं तो बैटर गीला हो जाएगा। ऑलमोस्ट हमने सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर लिए। अब यहाँ पे बचता है रेड फूड कलर। रेड वेलवेट के लिए रेड कलर सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पास होना ही चाहिए, वो भी जेल फूड कलर लेंगे तो ये बेस्ट है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। एक्चुअली आप अपने हिसाब से रेड कलर डाल लेना, आपको अगर ज़्यादा डार्क रेड चाहिए तो आप और भी डाल सकते हैं, बट मैंने ज़्यादा डार्क नहीं किया है। मेरा बैटर रेडी है। अब हम इसको मोल्ड में डाल देंगे और इसको थोड़ा सा टैप कर देंगे अच्छे से। मैं यहाँ पे कुकर में बना रही हूँ, आप माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। कुकर में इसको 40 मिनट्स बेक होने में लगेंगे। यहाँ पे अब हम इसको कुकर में रख देते हैं और 40 मिनट्स बेक होने के लिए टाइम लगेगा। जब तक हम इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है सोक करने के लिए, लेयर में सोक करने के लिए मिल्क एंड मिल्क मेड। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, वैसे तो शुगर सिरप भी डाल सकते हैं। यहाँ पे अब हम ले लेते हैं हैंड ब्लेंडर और एक बड़ा सा बर्तन, क्योंकि हमें व्हिप्ड क्रीम बनानी है। मार्केट में व्हिप्ड क्रीम बहुत ही ईजिली मिल जाती है, कोई भी ब्रांड की। आप वो ले लेंगे और इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से आप इसको ब्लेंड करेंगे 5 to 7 मिनट्स। हमें इसे पहले स्लो स्पीड में रखना है, क्योंकि स्लो इसमें पहले क्रीम को मिक्स होने में टाइम लगता है। उसके बाद हमें 1-2 मिनट के बाद इसकी स्पीड बढ़ा लेनी है और इसको स्पीड में हमें ब्लेंड करना है। इससे क्या होगा, क्रीम जल्दी गाढ़ी हो जाएगी। आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी गाढ़ी हो गई है, मतलब अब क्रीमी टेक्सचर आ रहा है इसमें व्हिप क्रीम का। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से व्हिप्ड हो गई है ये 5-7 मिनट बाद, और अब बहुत ही अच्छे एकदम परफेक्ट व्हिप क्रीम है ये, क्योंकि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एकदम वैसे हो गई है, जम सी गई है, जैसे नीचे नहीं गिरेगी। आप इसको उल्टा फोल्ड भी करेंगे तो भी ये नहीं गिरेगी। व्हिप क्रीम बन के रेडी हो गई है और ये व्हिप क्रीम हर केक में यूज़ होती है, हर मूस केक में यूज़ होती है, बट हम रेड वेलवेट की क्रीम इसमें हम डालेंगे। चीज़ क्रीम आता है मार्केट में, आप वो डालेंगे और वनीला एसेंस, तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा चीज़ी सा हो जाएगा। यहाँ हमारा केक बनकर रेडी हो गया है और हमने नाइफ डाल के देख लिया है, काफ़ी क्लीन निकली है, मतलब एकदम परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, और ठंडा होने के बाद हम इसको लेयर में कट कर लेंगे।
सो यहाँ मैंने कट कर लिया था। और अब हमने जो वो मिल्क रेडी करा था सोप के लिए वो हम डालेंगे, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें व्हिप क्रीम, फिर उसके बाद सेकेंड लेयर का केक डालेंगे, और इसके बाद फिर से हमें वही सेम प्रोसेस दूध और फिर से व्हिप क्रीम। तो यहाँ पे हमें ऐसे केक रेडी कर लेंगे चारों तरफ से व्हिप क्रीम के साथ, और ये मैंने क्रम्बल रखा है डेकोरेशन के लिए। सो यहाँ पे अब हम बनाएंगे पाइपिंग बैग। सो यहाँ पे पाइपिंग बैग ले लेंगे, ग्लास में से घुसाने से अच्छे से क्रीम अंदर चली जाती है इसमें पाइपिंग बैग में। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जाके रेडी हो गया है पाइपिंग बैग। सो इस तरीके से पाइपिंग बैग भी हम रेडी कर लेंगे, और यहाँ हमारा केक अच्छे से क्रीम से बन चुका है। सो बस अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। सो इसमें हम पहले क्रम्बल डाल देंगे साइड साइड में और बीच में थोड़ा सा। अब हम पाइपिंग बैग की मदद से फ्लावर बना लेंगे छोटे छोटे। सो ये मेरा सिंपल सा रेड वेलवेट केक का डेकोरेशन है। आपको ये मेरा डेकोरेशन और मेरा केक का रेसिपी कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो मिलते हैं ऐसे ही आगे अच्छे वीडियो के साथ। बाय बाय।